नमस्कार प्यारे दोस्तों साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपका भाई भी मस्त है, बढ़िया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गोरखपुर जिला से बागेश्वर धाम सरकार कैसे जाएं, एकदम आसान भाषा में, एकदम डिटेल में। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। गोरखपुर जिला से यानी गोरखपुर से बागेश्वर धाम सरकार जाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों को बताते चले हैं कि गोरखपुर जिले में कुल 20 ब्लॉक है, यानी कि कुल 20 प्रखंड है। आप किसी भी प्रखंड से हैं, आप आसानी से गोरखपुर जंक्शन होते हुए आप लोग बागेश्वर धाम सरकार पहुंच जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग को गोरखपुर जंक्शन से वही ट्रेन पकड़ना है जिस ट्रेन का नाम है दादर सेंट्रल स्पेशल फायर। दोस्तों दादर सेंट्रल स्पेशल फायर ट्रेन चलती है जिसका ट्रेन नंबर है दोस्तों 01028, यानी कि 01028। दोस्तों ये खुलती है शाम को क्या दोपहर को 2:25 PM, यानी कि दोपहर में 2:25 पे खुलती है गोरखपुर जंक्शन से, और आपको छोड़ती है सुबह में खजुराहो जंक्शन 5:30 पे सुबह में, यानी कि 5:30 AM लिखा है। और दोस्तों ये दादर सेंट्रल स्पेशल फायर ट्रेन का नाम हो गया, ट्रेन नंबर हो गया 01028। और दोस्तों ये चलती है सप्ताह में 4 दिन, मंडे ट्यूजडे थर्सडे सैटरडे, यानी कि सोमवार मंगलवार और उसके बाद बृहस्पतिवार और शनिवार, सप्ताह में 4 दिन चलती है दोस्तों ये ट्रेन। आप लोग 4 दिन में किसी दिन जाएंगे तो आपको ट्रेन मिलेगी। दोस्तों इसमें किराया लगता है गोरखपुर जंक्शन से खजुराहो जंक्शन का स्लीपर का 375 रुपया है, ठीक है दोस्तों, स्लीपर का 375 रुपया है। अगर आप एसी में जाना चाहते हैं, जनरल में जाइएगा तो जनरल का 205 रुपया है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों, आपको किस में जाना है, किस मतलब वार्ड से जाइएगा, किस बोगी में बैठिएगा, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे स्लीपर का बता रहा हूँ, स्लीपर का प्रति व्यक्ति 375 रुपया किराया है गोरखपुर जंक्शन से वहाँ के लिए, मतलब खजुराहो जंक्शन के लिए। उसके बाद उधर 50 रुपया लगेगा, अब बागेश्वर धाम सरकार पहुंच जाइएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब किराया सुन लीजिए। दोस्तों अब गोरखपुर जंक्शन से खजुराहो जंक्शन का किराया 375 रुपया है, और खजुराहो जंक्शन से बागेश्वर धाम सरकार का किराया 50 रुपया है, यानी कि 375 और प्लस 50 हुआ दोस्तों 425 रुपया। यानी कि दोस्तों गोरखपुर जंक्शन से बागेश्वर धाम सरकार आश्रम तक जाने का किराया 425 रुपया टोटल है। बाकी गोरखपुर जंक्शन से आपके ब्लॉक प्रखंड तक कितना लगेगा 10-20-50 उधर आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। यानी दोस्तों गोरखपुर जंक्शन से बागेश्वर धाम सरकार का किराया 425 रुपया टोटल किराया हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग बस सिंपली आपको अपने ब्लॉक से, अपने प्रखंड से आना है गोरखपुर जंक्शन, गोरखपुर जंक्शन से ट्रेन पकड़ना है, दादर सेंट्रल स्पेशल फायर ट्रेन पकड़ना है, जो ट्रेन नंबर है 01028, खुलती है दोपहर में 2:25 पे और छोड़ती है आपको सुबह में 5:30 पे, ठीक है दोस्तों। सोमवार मंगलवार और बृहस्पतिवार और शनिवार दोस्तों 4 दिन चलती है सप्ताह में। बाकी का दोस्तों अगर आप लोग इस 4 दिन के अलावा आना चाहते हैं किसी दूसरे दिन, तो आप लोग को आना होगा सतना जंक्शन। तो आप लोग पकड़िएगा गोरखपुर जंक्शन से सतना जंक्शन के लिए ट्रेन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो नजदीकी रेलवे स्टेशन के अलावा भी सतना जंक्शन पड़ता है बागेश्वर धाम सरकार से 120 किलोमीटर की दूरी पे लगभग में। तो दोस्तों अगर आप लोग को ट्रेन 4 दिन मिलेगी सप्ताह में गोरखपुर जंक्शन से बागेश्वर धाम सरकार जाने के लिए खजुराहो जंक्शन के लिए, तो अगर आप 4 दिन के अलावा भी आना चाहते हैं तो आपको आना होगा सतना जंक्शन, तब आप पकड़ेंगे गोरखपुर रेलवे स्टेशन, गोरखपुर जंक्शन से आप लोग पकड़ेंगे सतना जंक्शन के लिए। फिर उसके बाद आपको 120 किलोमीटर फिर चलना होगा, बस पकड़ना पड़ेगा जाकर के सतना बस स्टैंड में, तब आप लोग जाइएगा बागेश्वर धाम सरकार। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस दिन मैनेज, हम तो कहेंगे कि दोस्तों यही 4 दिन जो ट्रेन चलती है इसी किसी दिन में आप लोग जाइए, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोग जा सकते हैं गोरखपुर जंक्शन से बागेश्वर धाम सरकार आश्रम, बागेश्वर धाम सरकार के पास आप लोग जा सकते हैं, मिल सकते हैं। और इस समय तो आप लोग जानते ही हैं कि वहां पे यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में भी आप लोग शामिल हो सकते हैं दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप लोग चले जाइएगा बागेश्वर धाम सरकार। और भी कोई दिक्कत आता है, कोई परेशानी आता है, और भी कोई सवाल, कोई जवाब है, तो आप लोग कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। एक बार फिर से रिपीट मार देते हैं, सिंपली आपको अपने ब्लॉक, अपने प्रखंड से, अपने थाना से आना है आपको गोरखपुर जंक्शन से ट्रेन पकड़ना है दादर सेंट्रल स्पेशल फायर, जो कि खजुराहो जंक्शन को जाती है। तो पकड़ेंगे वहां से, तो आप लोग को छोड़ेगा
खजुराहो जंक्शन, वहां से 25 किलोमीटर की दूरी पर बागेश्वर धाम सरकार स्थित है। 50 रुपया किराया लगता है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग फोटो में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है ग्राफ टाइप का, आप लोग देखिए इसमें भी समझ सकते हैं। बाकी जाने आने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आप लोग अपने साजन भाई को याद कीजिए, आप लोग कॉमेंट में पूछिए, आपका पूरी मदद की जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार जाने के लिए हर राज्य से हर जगहों से आप लोग के लिए जानकारी मैं ला रहा हूँ, वीडियो ला रहा हूँ, ताकि किसी को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि सभी लोगों का अलग अलग तरह का कॉमेंट रहता है। कोई कहता है कि हमें गोरखपुर से जाना है, तो कोई कहता है हमें मुंबई से जाना है, तो कोई कहता है कोलकाता से जाना है, तो कोई कहता है लखनऊ से जाना है, मतलब हर जगह से आप लोग को वीडियो दे देंगे दोस्तों, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। आसाम से भी जाना है, आसाम के बारे में भी बना चुका हूँ, जिसको आसाम से बागेश्वर धाम से क्या जाना है वो भी देख सकता है, वीडियो चैनल पर विजिट करिए, आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा दोस्तों। और समय समय पर कोई भी नया अपडेट, कोई भी नया जानकारी आएगा वो भी आप लोग को मिलेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।